नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। खबर दोस्तों हरियाणा से, नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली अपमानजनक हार, सहयोगी JJP का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी JJP गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को प्रदेश में दो नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को एक नगरीय निकाय में जीत मिली। वहीं दोस्तों, आगे आपको बताते चलें, किसान आंदोलन, हरियाणा में भाजपा और JJP पर पड़ा है भारी, दो तिहाई सीटों पर मिली हार। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। बेहद बड़ी खबर दोस्तों इस समय की सामने निकल के आ रही है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। मोदी ने 2020 में अमीरों के 2.5 लाख करोड़ माफ कर दिए, इतने में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार मिल जाते। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें। साल 2020 में भारत में फैले कोरोना संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। रोजगार ना होने की वजह से गरीब लोग भुखमरी से भी जूझ रहे हैं। इससे देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है। मोदी सरकार द्वारा देश के विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार के दावों की पोल समय समय पर खोली जाती रही है। और वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और उद्योगपतियों की साठगांठ को लेकर PM मोदी पर हमला बोला है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी के विकास की असलियत दिखाने का दावा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ किया। इस राशि से कोविड के मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी के विकास की यह है असलियत। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार देश के किसानों और गरीबों के हितों के बारे में सोचने का सिर्फ ड्रामा करती है, लेकिन वास्तव में यह सरकार सिर्फ देश के उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने में लगी है। इससे पहले राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनके असत्याग्रह के लंबे इतिहास की वजह से आज देश के किसान भी मोदी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त निशाना साधा है राहुल गांधी ने PM मोदी पर। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव हुआ है पास। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, केंद्र सरकार के जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं कानूनों के खिलाफ केरल की विधानसभा ने नए प्रस्ताव पास किए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार इन विवादास्पद कानूनों को वापस ले, जिन्हें जल्दबाजी में संसद द्वारा लागू किया गया। केरल के पिनराई विजयन की सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 घंटे के लिए विशेष सत्र बुलाया था। विजयन की सरकार विधानसभा का सत्र काफी पहले ही बुलाना चाहती थी, लेकिन राज्यपाल ने पहले सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में राज्यपाल ने इस पर सत्र बुलाने की सहमति जता दी। केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव तब लाया गया जब किसानों और केंद्र के बीच सहमति नहीं बन पाई है। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक अब 4 जनवरी को होगी, लेकिन इस बीच किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया। विधानसभा में BJP के एकमात्र विधायक और राजगोपाल ने प्रस्ताव से असहमति जरूर जताई, लेकिन विरोध में वोट नहीं किया। RJD की JDU को चुनौती, अपने विधायक बचा सकते हो तो बचा लो। आपको दोस्तों बताते चलें, RJD की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है, जिसमें कहा गया है कि JDU में टूट होना तय है और पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर जल्द ही RJD में शामिल होंगे। आपको दोस्तों बताते चलें, इस बार RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने चुनौती दी है कि JDU में टूट होना तय है, अगर JDU में हिम्मत है तो अपने विधायकों को बचा ले। आपको दोस्तों बताते चलें, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने RJD नेता श्याम रजक के उस बयान को बेबुनियादी बताया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि JDU के 17 विधायक
उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में हैं और वे जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के इसी दावे पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होना तय है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेडीयू में नहीं होगी टूट, मगर सहयोगी ने अरुणाचल में उनके विधायकों को लिया लूट। अब किस मुंह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में उनकी पार्टी नहीं टूटेगी? जनता का साथ पहले ही नीतीश कुमार से छूट गया है, अब जल्द ही उनकी पार्टी में भी टूट होगी। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के 5 MLC को तोड़ा था, जिसका बदला बीजेपी ने अरुणाचल में ले लिया। अब जेडीयू को बचाने वाला कोई नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है बिहार से। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ निकले किसान। दोस्तों आपको बताते चले, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन में शामिल होने निकले राजस्थान के किसानों के समूह ने बीते दिन राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर जमकर हंगामा किया। किसान करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जबरन हरियाणा में प्रवेश कर गए और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान किसानों को रोकने की कोशिश में हरियाणा पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें कि किसानों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी किसानों से बातचीत का माहौल अच्छा रहा। बैठक में लगभग 50% मुद्दों पर सहमति बन गई। जिन दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है वो कानून वापसी और MSP का मुद्दा है। अब इन दोनों मुद्दों पर सहमति के लिए 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। अखिलेश का तंज, इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा बर्बाद न करे योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कामों को अपना दिखाने के लिए भाजपा सरकार को इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी से परहेज करना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार सपा के कामों का दोबारा उद्घाटन लोकार्पण करते करते अब 3 बार भी करने लगी है, जैसे बधोई कॉरपोरेट एक्सपो मार्ट का 3री बार होने वाला लोकार्पण। सरकार बताए बाबतपुर भदोई मार्ग व बाकी अधूरे काम कब पूरे होंगे? भाजपा दिखावटी इवेंट मैनेजमेंट में जनता का पैसा बर्बाद ना करे। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने तंज कसा है योगी सरकार पर कि योगी सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों का लोकार्पण करती है और अब तो 3री बार भी उन्हीं का उद्घाटन और लोकार्पण करने लगी है। वहीं दोस्तों चलिए एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना, बोले नौकरियों को लटका युवाओं के साथ किया धोखा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकारी नौकरियों को लेकर मनोहर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और JGP सरकार में हर दिन एक नया नौकरी घोटाला सामने आ रहा है। कई कई सालों तक विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं होती या उनमें नौकरियों की बंटर बांट कराने के लिए घोटाले और पेपर लीक कराने जैसे कृत्य होते हैं। आयोग लोगों को भर्ती करके प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है। खट्टर सरकार हरियाणा के इतिहास में सबसे युवा विरोधी सरकार साबित हुई है। रोजगार के नाम पर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना भाजपा और JGP सरकार का सबसे बड़ा शौक साबित हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर पहुंच गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जबरदस्त निशाना साधा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने। राज भर का ऐलान, हिंदू मुस्लिम नहीं शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ेंगे आगामी यूपी विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त भागीदारी मोर्चा की आड़ में छोटे दलों को संगठित कर लिया है, जिससे बड़े दलों की सिरदर्दी बढ़ सकती है। इस पर राजभर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला लिया तो ठीक है, मुसलमान कांग्रेस और सपा बसपा के साथ रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान ओवैसी के साथ रहकर शिक्षा स्वास्थ्य और नौकरी की बात करें तो क्या वह देशद्रोही हो जाएगा? लव जिहाद कानून को संवैधानिक अधिकारों पर चोट बताते हुए राजभर ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर इस कानून को खत्म कर देंगे। कहा कि संविधान के मुताबिक जो भी वयस्क है जाति धर्म के परे
उसको जीवन साथी चुनने का अधिकार है। राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत और झगड़ा पैदा करने तथा दंगा फैलाने के लिए कानून लाती है। हाल ही में आए 3 कृषि कानून इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने साधा है एक बार फिर से निशाना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और लिया है केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान बिल के विरोध में मशाल जुलूस निकाला कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान बिल और संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर ने कहा कि सरकार हमारी आवाज को पुलिस के दम पर दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार में लोकतंत्र नहीं बचा है। शीतकालीन सत्र को रद्द करना सरकार के मंसूबों को दर्शाता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान कानून लाकर उनको बर्बाद करने का काम किया है। सरकार किसान व युवा विरोधी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किसान बिल के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। आज की बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।